बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे बच्चों अस्सलाम अलैकुम। आज हमें सबक पढ़ना है, वो सबक है पांचवी जमात बच्चों के लिए। सबक का नाम है दोस्ती। और वो नदीम बचपन के दोस्त थे, दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे, स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद, दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इतला मिली तो वो खुशी से फूले न समाए। पिकनिक की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। दूसरे दिन सब लड़के हंसते खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बस खड़ी थी। लड़के इनमें सवार हुए, उसातिज़ा भी उनके साथ थे। बस पहलगाम की तरफ चल पड़े। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे, पहली बार एक साथ शहर से दूर टफर के ले जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुँच गए। पहलगाम कश्मीर का एक शहर अजा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद मदी ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। अब हम इसके अल्फाज मायने पढ़ेंगे। झटक देना, छोड़ देना, फुर्ती, तेजी, एक जान दो कलर, एक जान दो जिसम, गहरे दोस्त, तफर, हवा पूरी, सेहत, सेहत अफजा, सेहत बकरी, बेबसी, बे अख्तियारी, मजबूरी, जान में जान आना, खुश होना, चैन आ जाना, तसली हो जाना, बाकी वसलम।